अजीज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो और पॉजिटिव फील कर रहे हो। नैना स्टारवर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आज हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानिया। और ये मैं सिर्फ मैरिड लोगों के लिए करने लगी हूँ, ठीक है? जो मैरिड लोग है लेकिन सेपरेशन में है, जो उनके लिए रीडिंग है, ठीक है ना? चाहे फिर आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में है, बिल्कुल पार्टनर अगर मैं बोलूंगी तो समझ लो मैं आपके हस्बैंड का बोल रही हूँ, ठीक है? तो अगर आप अपने पार्टनर मतलब हस्बैंड के साथ चाहे सेपरेशन में हो, चाहे आपके पार्टनर का मतलब सेपरेशन नहीं हुआ लेकिन आप में नो कॉन्टेक्ट है, कोई बातचीत नहीं हो रही, तो आप सभी देख सकते हो, मेल भी देख सकते हो, फीमेल भी देख सकते हो, ठीक है? मेल फीमेल ऐसे कि हो सकता है किसी की वाइफ चली गई है या किसी का हस्बैंड चला गया है, तो आप दोनों देख सकते हो, ठीक है ना? लेकिन ये खास मैरिड लोगों के लिए है। और ये भी मैं किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज मुझे मतलब मैरिड लोगों के पे भी बनाइए रीडिंग, तो ये उनके लिए है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने हस्बैंड का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। और गाइस प्लीज, अगर आपने साइंस की रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल जो नैना स्टैरो यूनिवर्स है उस पे जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने रीडिंग देखनी है तो वहां पे मैं सिर्फ साइंस की रीडिंग डालती हूँ और आगे भी मैं कंटिन्यू रखूंगी, ठीक है? लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी टाइम की दिक्कत है जिसकी वजह से मैं थोड़ा नहीं कर पा रही, लेकिन आगे मैं और करूंगी। तो चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ वांड्स एंड एट ऑफ वांड्स, ठीक है? और बॉटम ऑफ द डेक जो हमारा कार्ड है वो आया दी एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ठीक है? तो चलिए पहले गाइज मैं आपको साइंस बता देती हूँ, ठीक है? ये साइंस आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अगर सपोज करो आपके साइंस नहीं भी है तब भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो समझो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे साइंस जो मुझे दिख रहे हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है और एरीज लियो सजिटेरियस भी है यहाँ पे, टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे मुझे, वेट 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 यस, टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? ये साइंस नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपके लिए। तो देखिए यहां से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में सबसे पहले जो मुझे चीज दिखाई दे रही है कि वो ये है कि आप दोनों का रिलेशनशिप तो ठीक था, नॉर्मल चल रहा था, ठीक है? पहले मतलब इतना ज्यादा मुझे खराब नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा आप दोनों का रिलेशनशिप खराब था। एक मिनट गाइज, मुझे ना थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ताकि मैं इसीलिए क्लैरिफाई ले रही हूं ताकि मैं आपको और डिटेल से बता सकूं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। ओके ओके, इंजन प्लीज बताइए फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? इतने कार्ड नहीं चाहिए, एक कार्ड। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंजल प्लीज बताइए हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? दी हर्मिट की एनर्जी क्यों है? ओके, ओके, बाकी अगर मुझे और क्लैरिफाई लगे तो मैं और भी लूंगी, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। देखिए यहां से जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पे ये लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। ये नहीं बोलूंगी कि अच्छा नहीं था या आप दोनों में मतलब
स्टार्टिंग से ही सब कुछ खराब चला, नहीं ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपके जो हस्बैंड है काफी ज्यादा, हस्बैंड वाइफ जो भी आप लगा लो, मैं पार्टनर बोलूंगी, आप समझ लेना कि आप, अब आपको पता है कि आप मतलब किसी, आपके जो हस्बैंड सामने वाले वो मेल है या फीमेल है ये आपको पता है, मैं पार्टनर बोलूंगी, आप समझ लेना अपने आप, ठीक है। तो यहां से मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आई है, स्टार्टिंग में आपने काफी ज्यादा आपका रिलेशनशिप, लेकिन आगे जाके मुझे यहां पे ये दिख रहा है कि काफी लोग इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप में, सबके साथ अलग अलग डिफर करेगा, ठीक है। यहां पे मुझे काफी लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं, और ये जो कुछ भी हुआ है कुछ तो आपके पार्टनर की एक मैनिपुलेशन एनर्जी से हुआ है, मतलब आपके पार्टनर जो है काफी ज्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, ठीक है, आपको मैनिपुलेट किया है, और जिसकी वजह से मतलब आप दोनों का रिश्ता, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी भी आ चुकी है और डेथ की एनर्जी भी आ चुकी है, तो यहां से तो मुझे ये लग रहा है कि आपके हस्बैंड से आपका बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट है। मतलब इस हालातों पे इस टाइम आपका जो रिलेशनशिप पहुंच चुका है, मुझे तो डिवोर्स तक लग रहा है कि कई लोगों का तो डिवोर्स तक की बात चली गई है, यहां से मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप काफी ज्यादा आपने तकलीफें फेस किए, अगर मैं देखूं कि आपने तकलीफें नहीं फेस की, नहीं आप आज भी अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ जो भी है उनकी वेट कर रहे हो, आज भी चाहते हो कि आपका रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, लेकिन आपको मतलब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप हताश हो चुके हो, आपने काफी ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट भी मुझे लग रहा है लगाया है, काफी लोगों को मतलब बीच में डाल के इस रिश्ते में, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की है, अपने नियर एंड डियर जो भी आपके हैं आपने सबको बीच में ऐड किया है ताकि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और गाइज मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में मल्टीपल लोग भी दिख रहे हैं, और मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और आप दोनों के बीच में मुझे 7 नंबर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, 7 नंबर, एक 7 नंबर, एक 5 नंबर, 5 और 7 नंबर, 2 नंबर ये मुझे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या तो आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहां से मुझे मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा एक चीज मुझे ये दिख रही है कि जो आपके हस्बैंड है वो काफी ज्यादा मुझे एक अनमेच्योर पर्सन लग रहे हैं, कि जैसे लोगों की बातों में आ जाना, जिसने जो बोल दिया उनके लिए वही राइट लगना, मतलब काफी लोगों की मैनिपुलेशन में आपके पार्टनर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में एज गैप भी है, लेकिन आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में सबसे ज्यादा अनमेच्योर बिहेव किया, ठीक है। और मुझे आप दोनों के बीच में मल्टीपल लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते का एंड हुआ है, क्योंकि आपके हस्बैंड काफी प्लेयर एनर्जी में, यहां से देखिए, ठीक है, काफी प्लेयर एनर्जी में है आपके हस्बैंड, और मुझे काफी पेज की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रही। मुझे लग रहा है कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ बहुत ज्यादा एक किड्स जैसा बिहेव किया, एक अनमेच्योर बिहेव किया है, कभी भी आपकी फीलिंग को नहीं समझा, कभी आपके इमोशंस को नहीं समझा आपके पार्टनर ने। पहले आप दोनों में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है, और आपके पार्टनर अनमेच्योर बिहेवियर की वजह से मुझे काफी कान के कच्चे लग रहे हैं, कि लोगों की बातों में आकर मतलब आगे बढ़ जाते हैं। आपके पार्टनर कभी कभी ये भी नहीं सोचते कि मेरे रिश्ते का मतलब क्या हाल बनेगा, अगर मैं लोगों की बातों में आ रहा हूं, उनके पीछे लग के अपने रिश्ते को खत्म कर रहा हूं, या ये कुछ भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब मेरा बनेगा क्या इस रिश्ते का, ये भी मुझे चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, यहां से मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं एक बात बोलूं गाइज, कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी स्पेसिफिक पर्सन आया है, मतलब क्योंकि यहां पे मुझे चीटिंग की एनर्जी दिख रही है कि आपके हस्बैंड ने आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ने आपके साथ चीटिंग की है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है। मुझे मल्टीपल लोग भी दिख रहे हैं और मुझे थर्ड पार्टी भी लग रही है जिनकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ सेपरेशन किया। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या तो काफी लोग इन्वॉल्व है, या उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, या हो सकता है आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई और पर्सन है, या वाइफ की लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, जिनकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है। क्योंकि यहां पे मुझे एनर्जी दिख रही है कि हार्ट ब्रेक तो हुआ है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ है, और हुआ थर्ड पार्टी की वजह से है। और कई मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड ने अपने सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपनी जो उम्मीदें की मतलब जैसे बड़े बड़े एम्बिशंस, पैसा, इन चीजों की वजह से भी रिलेशनशिप खराब किया, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने काफी ज्यादा एक अनमेच्योर आपके साथ बिहेव किया है, बहुत ज्यादा, जिनकी वजह से आपके पार्टनर को ये रिश्ता बर्डन जैसा लगने लगा था,
ठीक है। और आप ये बटन ढो ढो के आप भी थक चुके हो, नसीब मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप भगवान से प्रे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो बहुत ज्यादा, आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए। और मैं गाइस एक चीज और बता दूं, मुझे कई मेरे व्यूवर्स ऐसे दिख रहे हैं जिनके बच्चे भी हैं, ठीक है। मुझे अभी अभी ये मैसेज दिखा है कि कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हैं, जिनकी फैमिली है, और ज्यादातर मुझे दिख रहा है कि ज्यादातर तो आप लोगों के दो बच्चों वाले, दो बच्चे हैं आपके, ठीक है ना। मुझे दो बच्चे वाले यहाँ पे मेल फीमेल बहुत दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर, देखिए एक मैं बात बोलूं, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ के खुश है, और मुझे खुश नहीं लग रहे, लेकिन हाँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो खुश है, खुश तो मुझे भी आपके हस्बैंड नहीं लग रहे, चाहे वो थर्ड पार्टी के पास है, चाहे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ आपके पार्टनर की सिर्फ एक मुझे गलती नजर आ रही है कि आपके पार्टनर लोगों की बातों में आकर, उनके इन्फ्लुएंस में आकर बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे मुझे लग रहा है कि काफी मल्टीपल लोग हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन अगर आपको लगता कि आपके पार्टनर नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप ठीक हो, तो चाहते तो हैं, ठीक है, चाहते तो हैं, ऐसा तो नहीं है, एफर्ट तो लगाना चाहते हैं, इस जो डेथ की एनर्जी है इसको खत्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा अनमेच्योर बिहेवियर है, थोड़ा ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, सोचते ज्यादा है, एक्शन का कार्ड मुझे कोई नहीं निकला, एक्शन नहीं, यहां पे भी देखिए सिर्फ सोच रहे हैं, खड़े हुए हैं ऑफर लेके, खड़े हुए आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन हाँ अगर मैं बोलूं कि वो आपके बिना खुश है, नहीं, अकेलापन उनको भी महसूस होता है, आपको चाहे वो याद करें ना करें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर याद करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफी खालीपन लगता है, खाली, काफी लोनलीनेस है, काफी मतलब अगर सबके साथ भी बैठे हैं तब भी उनको कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से उनको आप या आपके बच्चे उनके दिमाग में क्लिक होने लगते हैं। यस, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, काफी इंट्यूटिव पर्सन है आपके पार्टनर, और काफी ज्यादा उन्होंने आपसे बातें हाइड भी की। ये देखिए कोई फेमिनिन है जो उनको कंट्रोल कर रही है, आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को, ठीक है। मैंने बोला ना मैं पार्टनर बोलूंगी, ये आप देख लेना, कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। अगर आपकी वाइफ है तो उनको कोई मेल कर रहा है, अगर मेल है तो फीमेल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई तो कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को, जिनकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। अब उनकी मदर हो सकती है, मल्टीपल लोग हो सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है उनकी लाइफ में। और गाइज मैं एक चीज और बता दूं, मुझे ब्लू कलर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर ब्लू कलर आपके, येलो और ब्लू कलर आपके आसपास है, तो प्लीज आप रीडिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये दो कलर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, और मुझे सिमरन नाम बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप में से किसी का नाम सिमरन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे सिमरन और जसबीर बहुत ज्यादा नाम सुनाई दिया है। अब आप में से किसी का भी ये नाम हो, जसबीर और सिमरन, ये दो नाम मुझे बहुत ज्यादा अभी सुनाई दिए, दिखाई दिए, तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपके पार्टनर काफी चीजें आपसे हाइड कर रखी हैं। देखिए आपकी डेस्टिनी आपका साथ तो देने वाली है, आने वाले टाइम में मुझे ये तो लगता है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चेंज तो आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। डिवाइन भी आपके रिश्ते को ठीक करने का सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर को काफी ज्यादा मतलब अवेयर कर रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, ताकि वो आपकी तरफ बढ़े और कुछ एक्शन ले, ठीक है। यस, देखिए पेज की एनर्जी आई है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि पेज की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको एक मतलब अनमेच्योर बिहेवियर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो आपका दोनों का रिलेशनशिप खराब हो रहा है उनके अनमेच्योर बिहेवियर से, या ओवर थिंकिंग से, या लोगों की मैनिपुलेशन से। क्योंकि देखिए लोगों की बातों में तो वही इंसान आता है जो अनमेच्योर होता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल इंसान होता है, जो इंटेलिजेंट इंसान होता है, वो इंसान कभी भी लोगों के बातों में नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि उसको अपने बुरे का, अपने अच्छे का पता होता कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है। लेकिन यहां पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसकी वजह से आपके, आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है और आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। यस, आपके पार्टनर पजेसिव तो है आप लोगों को लेकर, आपको लेकर, आपके बच्चों को लेकर पजेसिव तो है, अपने बच्चों के लिए तो लग रहे हैं मुझे कि पजेसिव बहुत है, वो अपनी चीजों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। यस, देखिए ओवर थिंकिंग, मैंने बोला ना कि अनमेच्योर बहुत बिहेवियर है, एक्शन के कार बहुत कम निकले हैं, सिर्फ ये दो एक्शन के कार है,
ठीक है, यहां पे भी रुका हुआ है घोड़ा, यहां पे भी बस सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे आपके पार्टनर, एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि एक्शन इसलिए नहीं। और ये देखिए, मुझे यहां पे बॉटम ऑफ द एनर्जी मिली है, दी डेविल की एनर्जी। आपका दोनों का रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुका है, और यहां पे मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर कोई मैजिक किया हो, कोई ब्लैक मैजिक, या कोई धागे वागे, या कोई पंडितों के पास जाना, या कोई जैसे वो गले में कुछ डलवा देते हैं, हाथ में ये रिंग डाल लो, वो कर लो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा वैसा चल रहा है। अब यहां तो उनकी फैमिली करवा रही है, या अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो करवा रही है, क्योंकि उनको ये है कि आपकी तरफ उनके मतलब आपके हस्बैंड आपके पार्टनर वापिस ना चले जाए, ठीक है। क्योंकि यहां से मुझे साफ पता चल रहा है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल भी किया जा रहा है, कोई फेमिनिन एनर्जी है जो कंट्रोल कर रही है, ठीक है, और उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। एंजल प्लीज मुझे बताइए एक्शन क्या होगा, क्या इनके पार्टनर। ओके, देखिए आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग तो करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है, सोच सोच। यहाँ पे एक कार्ड, ये भी कम्युनिकेशन का है, ये भी कम्युनिकेशन का है, ये भी कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपके पार्टनर की ये है कि ओवर थिंकिंग में सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंजल प्लीज बताइए आने वाले टाइम में क्या मेरे व्यूवर्स के हस्बैंड वाइफ जो भी है वो उनको कॉन्टेक्ट करेंगे। देखो मैंने बोला ना कन्फ्यूज है, वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इमोशन तो है। देखिए ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इमोशंस नहीं है, इमोशनल है आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन यहां पे मुझे ये लग रहा है कि कंफ्यूज बहुत है, बहुत कंफ्यूज है। अब कंफ्यूज आपको भी पता क्यों है, ठीक है। एंजल प्लीज बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के हस्बैंड उनको कॉन्टेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन अगर देखिए पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिनको लेकर आज भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। जो भी पास्ट का हुआ ना, एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन जो पास्ट का जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर फिर से वहीं रुक जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल प्लीज और बताइए। देखिए यहां पे भी वही चीज निकली है, द एम्प्रेस और द चैरियट। एक्शन तो लेना चाहते हैं, ये तो नहीं मैं बोलूंगी, यहाँ पे एक्शन के कारण निकले, एक्शन लेना चाहते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं काफी ज्यादा, हो सकता है आपको डीपी वीपी भी लगाते हो और आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, क्योंकि वो देखते रहते हैं कि आपने क्या अपलोड किया क्या नहीं किया, अगर आप व्हाट्सएप पे या किसी भी जगह पे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में हो तो, ठीक है। हो सकता है उनके पास कोई फेक नंबर हो, फेक आईडी हो, जहां से आपको कॉन्टेक्ट करते हैं। चलिए और देखते हैं, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस में वो जगल कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा आपकी तरफ आ नहीं रहे, क्योंकि कंफ्यूज है। यहां पे भी कंफ्यूज एनर्जी है, यहां तो उसके पास दो चॉइसेस है, एक आप और थर्ड पार्टी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सेकंड ऑप्शन है जिनकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं रहे। यहां पे मुझे दिख रहा है, ये देखो फैमिली, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो आप हो, दूसरी तरफ हो सकता है कि आपके पार्टनर मतलब कोई और भी है उनकी लाइफ में, जिनकी वजह से आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ अभी तो आते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी चल रही है, जगलिंग भी चल रही है। एंजल प्लीज एक कार्ड और दीजिए, प्लीज बताइए एंजल मुझे इस रीडिंग का आउटकम दीजिए, क्या इनके जो पार्टनर है वो इनको कॉन्टेक्ट करेंगे या नहीं। ओके, द सन, देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं तो फिलहाल तो आपके पार्टनर मूव ऑन की एनर्जी में है, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि आपके, क्योंकि ये कार्ड निकला विक्ट्री का, तो यहां से पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बोलूं तो अभी के लिए तो नो है, क्योंकि यहां पे मूव ऑन की एनर्जी है, लेकिन ये टेम्परेरी एनर्जी है, परमानेंट एनर्जी नहीं है, टेम्परेरी एनर्जी है। आपके हस्बैंड आपकी वाइफ जो भी है वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आप अपने आपके लिए वो भी रोशनी चाहते हैं, अपनी लाइफ में रोशनी चाहते हैं, अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन सरकमस्टांसिस कुछ ऐसे बने हुए हैं जिनकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा इमोशनल है अपने बच्चों को लेकर, मुझे बच्चों का ज्यादा दिख रहा है कि बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके लिए तो चलो मैं इतना नहीं बोलूंगी, लेकिन उनके लिए तो काफी इमोशनल है, जिनकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ओवर थिंकिंग कर रहे काफी ज्यादा, वो अपनी सोच से जो भी उनके दिमाग में सोच है ना आपकी आपकी वाली, उससे निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा सोचना नहीं चाहते ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ फिर भी। इन द प्लीज लेट ऑफ कप्स को,
यस आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, अपने बच्चों को मिस करते हैं और या करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काफी ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, और खुद पे कंट्रोल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। चलिए यहां से भी लूना कार्ड से भी निकालते हैं आपके लिए क्या आता है। इंजर प्लीज मुझे बताइए। देखिए आपके साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है हेल्दी सेक्सुअलिटी, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, वो आपके साथ फिर से वही रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में पहले था। वो वैसी ही एक, वो कोई भी अब हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास नहीं लगाना चाहते, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी अच्छी बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं। यस, जितने भी कन्फ्लिक्ट है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों में इश्यू क्रिएट हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी है, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग में सारा टाइम वेस्ट करें। यस, आप दोनों के बीच में किड्स इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा किड भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपके पास हस्बैंड में पैशन भी बहुत है। वाइफ हो चाहे हस्बैंड है, जो भी है, आप देख लो, पैशन बहुत ज्यादा है और आपके पार्टनर आपके साथ ये सारे कन्फ्लिक्ट दूर करके आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, फिर से बॉन्ड एक अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर आपकी वजह से, चाहे वो मतलब जो भी उनकी सोच है, लेकिन वो अपने बच्चों की वजह से आना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं है तो हो सकता है ये कार्ड इसलिए निकला है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ एक बच्चों जैसा बिहेव करे, एक मतलब अनमिच्योर बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं, जिनकी वजह से ये बना बनाया रिश्ता वो खराब कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से अपना घर ही तोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां से अगर आपके बच्चे हैं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करके अपने बच्चों की वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए मैं एंजल्स की गाइडेंस निकाल लूं, फिर हम रीडिंग को क्लोज करते हैं। एंजल प्लीज मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स को, सॉरी मैं आपके लिए गाइडेंस नहीं निकाली, लेकिन मैं निकाल लेती हूँ। पहले मैं एंजल्स के कार्ड निकाल लूं, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल। टेक एक्शन, देखिए आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर वो एक्शन नहीं ले रहे, वो कुछ स्टेप नहीं उठा रहे, तो आप अपनी तरफ से देखिए कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके लिए एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता किस चीज के लिए नो बोला जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करते हो अपने रिलेशन को लेकर और काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तो हो सकता है उसी लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे बी असर्टिव, आपके सारे जो प्रॉब्लम्स की चाबी है वो आपके पास है, आप चाहो तो इस रिश्ते को ठीक कर सकते हो, चाहो तो इस रिश्ते को खत्म कर सकते हो, आपके हाथ में है। ठीक है, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल दूँ, वेट मैं दूसरा डेक ले लूं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इनको क्या करने की जरूरत है। ओके, फर्स्ट कार्ड है। एक मिनट, देखिए आपको अगर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको थर्ड पार्टी को इग्नोर करना होगा। यहां से आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया फैमिली, अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली ऐसे ही बनी रहे, तो जो भी मतलब आप दोनों की जो मेन चीज है ना, जिनकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ खराब हो रही है, तो आपको उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना, आपकी फैमिली तभी बच सकती है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की यहाँ पे जरूरत है, तभी आपका रिश्ता बढ़ेगा। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे, वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे, तो यहां से आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप उनकी तरफ जाए और इनिशिएट करें और उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करके सारी प्रॉब्लम को हल करें। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं। कितना ज्यादा से ज्यादा इग्नोर कर लोगे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, एक ना एक टाइम पे तो आपको इस चीज को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि पुराना जो पास्ट है उससे निकलकर अपने पार्टनर से बात कीजिए और जो पुरानी चीजें हैं उनको इग्नोर कीजिए, या कोई थर्ड पार्टी है उनको इग्नोर कीजिए, कॉम्प्रोमाइज करिए और अपने रिश्ते में आगे बढ़िए। यही एंजल्स आपके लिए गाइडेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये मैरिड लोगों के लिए रीडिंग थी जो अपने हस्बैंड वाइफ से सेपरेशन में है
और मैंने किसी ने मेरे को बहुत बताया था कि इस टॉपिक पे रीडिंग बनाओ, तो मैं उनके लिए ये रीडिंग बनाई है। लेकिन ये उनके लिए नहीं, ये आप सबके लिए जो भी ऐसी सिचुएशन में है। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बोलते रहिए प्यार से राधे राधे।